इट्स रेस्ट टाइम अलगाट माई नेम इज पूनम तरण यो वॉचिंग रेसल खबर। आज हम बात करने वाले हैं WWE के पांच उन सुपरस्टार के बारे में जो कि समर स्लैम 2021 में अपनी वापसी कर सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर पांच, फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग ने साल 2016 में WWE वापसी के बाद ही ब्रोक लेसनर, केविन ओवन, डोल्फ जिलर, द फिंड जैसे सुपरस्टार को रहा है और इस दौरान गोल्डबर्ग अलग अलग मौकों पर यूनिवर्सल चैंपियन बनने में भी कामयाब रहे। पिछले साल गोल्डबर्ग ने खुलासा किया था कि WWE के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट साल 2023 में ख़त्म होने वाला है। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हर साल दो मैच लड़ने हैं। आपको बता दें गोल्डबर्ग इस साल रॉयल रंबल में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ WWE चैंपियनशिप मैच में कम्पीट करते हुए दिखाई दिए थे और इस मैच में ड्रू मैकइंटायर ने उन्हें मार दी थी। जबकि समर स्लैम 2021 काफ़ी बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस पीपीपी में गोल्डबर्ग वापसी करेंगे। नंबर चार, पूर्व WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन डेनियल ब्रायन। कुछ हफ्ते पहले WWE स्मैकडाउन में यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज के खिलाफ मैच लड़ने के बाद डेनियल ब्रायन का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था और इस वक्त वह एक फ्री एजेंट बनकर रह गए हैं। आपको बता दें कि इस वक्त डेनियल ब्रायन के फ्यूचर को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो डेनियल ब्रायन एक बार फिर WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके टेलीविजन पर वापसी करते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ब्रायन की वापसी के लिए फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ब्रायन WWE समर स्लैम में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर तीन, पूर्व WWE चैंपियन ब्रोक लेसनर। रेसलमेनिया 36 के बाद से ही ब्रोक लेसनर WWE में नजर नहीं आए हैं, लेकिन लगातार कंपनी उनकी वापसी के बारे में अटकलें लगाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि WWE तब तक ब्रोक लेसनर वापसी नहीं कराएगी जब तक कि वीके शो के दौरान लाइव ऑडियंस नहीं आएगी। रिपोर्ट्स की माने तो WWE इस साल जुलाई से टूर करना शुरू कर देगी और वीकली शो के दौरान लाइव ऑडियंस की वापसी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा है तो समर स्लैम बड़ा स्टेज हो सकता है जहां WWE ब्रोक लेसनर की वापसी करने का फैसला ले सकती है। नंबर दो, जॉन सीना। जॉन सीना को WWE रिंग में कम्पीट करते हुए 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है, जबकि रो में वह आखिरी बार साल 2019 में मैच लड़ते हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद से ही वह अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट में व्यस्त हो चुके हैं, लेकिन फैंस को उम्मीद है कि उनकी जल्दी वापसी देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि जॉन सीना एक टेलीविजन सीरीज में व्यस्त होने की वजह से रेसलमेनिया में नजर नहीं आए थे। उम्मीद है कि इस सीरीज का काम जून महीने में खत्म हो जाएगा, इसके बाद जॉन सीना को WWE वापसी का वक्त मिल जाएगा और वह समर स्लैम 2021 में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। WWE वुमेन सुपरस्टार बेकी लिंच। बेकी लिंच मई 2020 में प्रेगनेंसी की अनाउंस करने के बाद से ही WWE टेलीविजन पर नजर नहीं आई है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि फैंस उनकी वापसी का ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि बेकी लिंच WWE की फेमस सुपरस्टार में से एक है, इसलिए WWE उनकी वापसी भी ग्रैंड तरीके से कराना चाहती है। देखा जाए तो बेकी लिंच वापसी के लिए समर स्लैम 2021 से बढ़िया जगह नहीं है। इस शो के दौरान बड़ी संख्या में फैंस अरीना में मौजूद रहने की उम्मीद है। शायद यही कारण है कि WWE बेकी लिंच की वापसी रोक रखी है और समर स्लैम 2021 में उनकी वापसी देखने को मिल सकती है। गाइस आज का वीडियो बस इतना था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।